मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं, धार्मिक संस्कार के लोग जब मिलते हैं, जिनके अंदर अध्यात्म परमार्थ की थोड़ी भूख रहती है, उनमें से अनेक लोग प्रायः यह प्रश्न पूछा करते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा। सुना है बचपन से माता पिता द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा, पंडितों महात्माओं पुरोहितों द्वारा, संतों द्वारा भगवान के बारे में। पुराणों में, महाकाव्यों में, अन्य अनेक और धार्मिक पुस्तकों में भगवान के बारे में आदमी सुनता रहा है, अभी भी सुनता है, पढ़ता रहा है। तो ये सब सुन करके और पढ़ करके लोगों के मन में ये भाव बैठ गया है कि जब परमात्मा भगवान मिल जाएगा तब हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मनुष्य जीवन की सफलता भगवान को पाने में है। और यदि भगवान नहीं मिला तो मनुष्य जीवन बेकार है। अब उस आदमी से यह पूछो जो ये पूछ रहा है कि भगवान कैसे मिलेगा, उससे आप पहले पलट करके प्रश्न कर दे, ये तो बताओ भगवान है कैसा, किस रूप रंग वाला है, कैसा उसका आकार प्रकार है, कहाँ वह रहता है, क्या काम करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, यह बताओ, तब हम बताएंगे कि भगवान कहाँ मिलेगा। पहले भगवान के स्वरूप को जानना तो होगा ना। किसी से मुलाकात करनी है और उसके रूप रंग कोई चिन्ह का हमें पता ही ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि यही व्यक्ति भगवान, यही व्यक्ति वह है जिससे हम मिलना चाहते हैं। कुछ पहचान होनी चाहिए, कुछ चिन्ह होना चाहिए, उसके बारे में कुछ और पता होना चाहिए, तब तो उससे हमारी मुलाकात होगी। अब महात्माओं ने कह दिया कि मनुष्य जीवन भगवान को पाने के लिए ही मिला है, और मनुष्य जीवन में भगवान नहीं मिला इसलिए मनुष्य जीवन बेकार चला गया। तो हम लोगों को भगवान को पाने के लिए साधना भजन करना चाहिए। उन महात्माओं से ही पूछो, महाराज ठीक है, भगवान को पाने के लिए हमें साधना भजन करना है, लेकिन ये बताओ भगवान है कैसा, पहचानेंगे कैसे? तो महात्मा लोग भी क्या उत्तर देंगे, क्योंकि किसी की भगवान से मुलाकात हुई नहीं है, सुनते आए हैं बस, पढ़ते आए हैं। वस्तुतः भगवान मिलता नहीं है, भगवान मिलने की चीज नहीं है, क्योंकि भगवान बाहर कहीं है नहीं। यदि कहीं बाहर भगवान है और उससे हमारी मुलाकात हो भी जाए तो फिर बिछुड़ जाएगा भगवान। जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने निवास चले जाएंगे,
मिले हैं तो बिछुड़ेंगे। मिलन का वियोग होना, मिलन का बिछड़न होना पक्का है, प्रकृति का नियम है। और भगवान कहीं रहता है, उससे हमारी मुलाकात हो गई तो फिर बिछुड़ जाना होगा। अब बिछुड़ जाना होगा तो फिर वही वियोग, फिर वही पीड़ा। अनेक प्रकार के भ्रम में हम जी रहे हैं। भगवान पाने की चीज नहीं है, दुनिया की वस्तुएं तो पाने की होती है। परिश्रम करते हैं, कहीं खरीदते हैं तो दुनिया की चीजें मिलती हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिले और बिछड़े ना, छूटे ना, बिगड़े ना। और भगवान क्या ऐसा है? हमने भगवान के स्वरूप को बिगाड़ डाला है, गलत व्याख्या की गई है भगवान की, इसलिए हम लोग भ्रम में पड़ गए हैं। भगवान पाना नहीं है, भगवान को समझना है, उद्घाटन करना है, उसमें स्थित होना है। जिस भगवान को आप बाहर से पाना चाहते हैं, वह आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका अपना आपा है, उसको समझना है। समझने में बाधा क्या है? हमारे मन के विकार। और एक बात और बता दूं, पूरा काल में भगवान ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, संतों को कहा जाता था। आकाश या पाताल में भगवान की कल्पना नहीं की गई थी। आप प्रसिद्ध छह दर्शनों को पढ़ें, वहां भगवान मिलने की बात नहीं है, समझने की बात है। सारी उपनिषदें भगवान को बाहर नहीं खोजती है, भगवान को बाहर पाने की बात नहीं कहती है, किंतु स्वयं को समझने की बात कहती है और स्थित होने की बात कहती है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म एम आत्मा ब्रह्म। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा गया। अत प्रभु हृदय अछत अविकारी गोस्वामी जी ने कहा। तो जब अविकारी है, हृदय में बसता है, तो बाहर से मिलेगा कैसे उसको? मन के विकारों को दूर करना है, हमारी भगवत्ता छिपी हुई है उसका उद्घाटन करना है, उसका अनावरण करना है। कहीं किसी शहर बाजार में, किसी चौक में किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित की जाती है। स्थापित करने के बाद, सारी व्यवस्था हो जाने के बाद, उस मूर्ति को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। तब फिर किसी बड़े पुरुष को, किसी मंत्री को या किसी और को बुलाकर उस मूर्ति का अनावरण किया जाता है। मूर्ति पहले स्थापित है, केवल ढकी हुई है, उसका अनावरण करना है। जिनको अनावरण के बुलाया गया है वो अपने साथ मूर्ति लेकर के आता नहीं है, वो तो पहले से स्थापित है वहाँ। आवरण को हटा देना है, बस प्रकट हो गई वह। ऐसे ही जिस भगवान को हम पाना चाहते हैं, जिसकी तलाश में भटक रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं है, भीतर विराजमान है, भीतर बैठा हुआ है। उसका अनावरण करना, उद्घाटन करना है। कैसे करना है? बस ये समझने की बात। रास्ते अनेक हैं, उपाय अनेक हैं। एक संत के पास एक जिज्ञास साधक पहुंचा और कहा, महात्मन, भगवान को पाने के लिए वर्षों से मैं भटक रहा हूं,
अनेक संतों और महात्माओं के पास गया, उनकी शरण में रह करके साधना की, भजन किया, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहीं मन को तृप्ति नहीं मिली, मन का भटकाव दूर नहीं हुआ, खोजते खोजते भटकते आपकी शरण में आया हूं। और यह मैंने यह भी सुना है संतों से महात्माओं से, भगवान के दर्शन, ये हमारी जो दो आंखें हैं इन आंखों से नहीं होते, किंतु भगवान के दर्शन करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। और तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब भगवान के दर्शन होगा। तो आप ये बताइए, तीसरा नेत्र खुले कैसे और भगवान के दर्शन हो कैसे? आपने भी सुना होगा, जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए काम आया और बाधा डालने लगा, तो महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और काम भस्म हो गया। वो तीसरा नेत्र है क्या? तीसरा नेत्र है ज्ञान, विवेक। जितना आप विचार करते, विवेक करते जाएं, ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, काम भस्म होता, दूर होता चला जाएगा। अज्ञान के कारण काम की वासना हमारे भीतर उदित होती है, देहाभिमान के कारण हमारे भीतर काम की वासना उदित होती है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं और वासनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं। सही बोध हो, सही ज्ञान हो, सम्यक समझ हो, सच्चा आत्मज्ञान हो जाए तो काम के लिए गुंजाइश कहाँ होगी? स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारे देश के एक महान विभूति, एक रत्न, कहते हैं कि उनसे किसी ने कहा था, स्वामी जी आपका शरीर इतना स्वस्थ, इतना सुंदर, इतना बलवान, क्या कभी आपके मन में काम की वासना नहीं जगती? आपको कभी काम नहीं सताता? स्वामी जी ने कहा था कि मेरे पास इतना काम है कि काम के लिए फुर्सत ही नहीं बचती है। अपने को यह साधना और सेवा में इतना समर्पित कर दें कि काम की वासना जगने के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। फुर्सत के क्षण में काम की वासना आती है जब मन प्रपंच करता है, और मन यदि ज्ञान में लगा है, सेवा में लगा है, साधना में लगा है, तो काम कहाँ से आएगा? और तीसरा नेत्र कौन है? ये ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। सम्यक समझ, सम्यक विचार ही तीसरा नेत्र है। और जब ऐसा होगा तो काम के लिए गुंजाइश ना होगी। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब भगवान के दर्शन होंगे, ये तीसरा नेत्र खुले कैसे? महात्मा ने कहा, जब तक तुम्हारे दोनों नेत्र खुले रहेंगे तब तक तीसरा नेत्र नहीं खुल सकता। तीसरा नेत्र खोलने के लिए दोनों नेत्रों को बंद करना पड़ेगा। उस जिज्ञासु ने अपने पास रखे हुए कपड़े की पट्टी बनाई और कस करके अपने दोनों आंखों पर बांध ली, अब उन्हें बंद कर लिया। और कहा, महाराज मैंने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, अब बता तीसरा नेत्र कैसे खुले? महात्मा ने कहा, मैं इन शाम के नेत्रों को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन्हें बंद करने से तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, किंतु जिन दो नेत्रों को बंद करना है वो कौन है? वह नेत्र है राग और द्वेष के नेत्र। दुनिया हम कैसे देखते हैं? या तो राग के नेत्रों से देखते हैं या द्वेष के नेत्रों से देखते हैं। जहां जहां हमारे मन में हमारे प्रति अनुकूलता मिलती है, हमें अनुकूलता का बोध होता है, वहां वहां हम राग करते चले जाते हैं। जहां जहां से प्रतिकूलता मिलती है, जो हमारे मन के अनुसार नहीं होता, वहां वहां हम द्वेष करते चले जाते हैं। राग और द्वेष में उलझा हुआ मन कभी भगवत दर्शन नहीं कर सकता, परमात्मत्व का अनुभव नहीं कर सकता। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो आती रहेगी,
हानि और लाभ तो होते रहेंगे, सम्मान और अपमान तो मिलता रहेगा, संयोग और वियोग होता रहेगा, सुख और दुख आते रहेंगे, और इनमें यदि हम राग और द्वेष बनाते रहे तो जिंदगी उलझ जाएगी, जिंदगी का मकसद न समझ में आएगा न प्राप्त होगा। इसलिए न राग न द्वेष, किंतु राग और द्वेष दोनों को बंद करके समता का नेत्र खोलना पड़ेगा। सभी स्थितियों में हमें सम रहना होगा, संतुलन। जितना हमारे मन में समता भाव होगा, जितना हमारा मन अनुद्वेगित होगा, उतना ही उस भगवत तत्व का अनुभव होगा, परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। राग और द्वेष यही तो जी के जंजाल हैं, यही तो भव बंधन बनाते हैं, अनुकूलता से बचा नहीं जा सकता, प्रतिकूलता से भी नहीं बचा जा सकता, न अपमान से बचा जा सकता है, न तो सम्मान से बचा जा सकता है, न प्रिय के वियोग से बचा जा सकता है, न अप्रिय के संयोग से बचा जा सकता है। और इनमें राग द्वेष बनाते गए तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, सुख से जीना संभव नहीं होगा, व्यवहार ही बिगड़ जाएगा, और विहार को बिगाड़ करके परमार्थ की साधना कभी संभव नहीं हो सकती है। परमार्थ की साधना करना है, परमार्थ की ऊंचाई पर पहुंचना है, तो राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना होगा। कौन किस मत को मानता है, किस सिद्धांत को मानता है, किसकी पूजा करता है, किसका पाठ करता है, कौन मंदिर जाता है कि मस्जिद जाता है, गिरजा जाता है, किस देवी देवता की उपासना करता है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है कि उसका जीवन कितना समता से व्यतीत हो रहा है, जीवन में से विकार कितने घटे, जीवन कितना निर्मल हुआ। सभी स्थितियों में समता, सुख और दुख दोनों से ऊपर की स्थिति, सुख दुख से कोई परम परे परम पद सो पद है सुखदाई, साहब ने कहा है। वह परम पद कहते हैं सुख और दुख से दोनों से ऊपर है, सुख में राग, दुख में द्वेष, ये हमारे जीवन की हार है। दोनों में समता हमें समझना होगा, ना अनुकूलता रहने वाली है न प्रतिकूलता रहने वाली है, न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है, न अपमान रहने वाला है न सम्मान रहने वाला है, न अपमान करने वाले लोग रहने वाले हैं न सम्मान करने वाले रहने वाले हैं। एक दिन सबसे हमारा वियोग हो जाना है, फिर राग और द्वेष में पड़ करके जीवन को उलझाएं क्यों। समता, सुख आए उसका स्वागत, दुख आए उसका स्वागत, अनुकूलता आए उसका स्वागत, प्रतिकूलता आए उसका स्वागत, सब समय संतुलित। संतुलित मन ही परमार्थ को समझ सकता है, संतुलित मन से ही अध्यात्म की समझ हो सकती है, परम तत्व को समझा जा सकता है। नानक साहब एक दोहा याद आता है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। नाना साहब कहते हैं जिसके मन में सुख और दुख का स्पर्श नहीं होता, सुख और दुख आने पर जो हर्षित और शोकित नहीं होता, हर्ष शोक के द्वंद में नहीं पड़ता, सुख और दुख हर्ष और शोक के द्वंद से जिसका मन ऊपर उठ चुका है, अभ्र है, प्रभाव रहित हो चुका है, जिसके मन में लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं है, सुख दुख से अप्रभावित, समतायुक्त जीवन, लोभ मोह अभिमान से रहित, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो महापुरुष है, वो प्रत्यक्ष भगवान है। उनको छोड़ करके भगवान और कहाँ मिलेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पासे पासे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमारे जो विकार हैं, हमारे जो दोष हैं, वे हमें भटका रहे हैं। भगवान को पाने के लिए काम नहीं करना है,
काम करना है अपने मन को परमार्जित करने के लिए, मन के जो दोष हैं, मन के जो विकार हैं उन्हें मिटाने के लिए, धोने के लिए। निर्मल मन में ही परमात्मानुभूति होगी, निर्मल मन में ही भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र दुराम न भावा। गोस्वामी जी ने महाराज राम से पंक्ति कहलवाई है, निर्मल मन, और मन है कलुषित, मन है अनेक विकारों में डूबा हुआ, राग द्वेष में उलझा हुआ। कितनी हम व्याख्या करते रहे भगवान की, कितनी हम व्याख्या करते रहे आत्मा और परमात्मा की, कैसी पूजा करते रहे, पाठ करते, रोज गंगा नहाते रहे, कोई फल नहीं होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मन निर्मल है, निर्विकार है, निर्दोष है, और वैसे ही जीवन का व्यवहार है। जहां आप बैठे हैं वही भगवान मिला मिलाया है, पाना कहां है, भटकना कहां है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में सर्वत्र भटकाओ भटकाओ भटकाओ। महात्मा लोग भी, गुरुजन भी, पंडे पुजारी भी कर्मकांडों में लोगों को उलझा देते हैं, क्योंकि स्वयं उलझे हुए हैं। अगवा ही उलझा हुआ है तो अन्यायी लोग सुलझेंगे कैसे? इसलिए स्वयं सुलझना होगा, और सुलझ करके दूसरों को भी सुलझने का रास्ता बताना होगा। तो परमात्मा को, भगवान को कहीं पाना नहीं है, वह बिछोड़ा नहीं है, नित्य मिला मिलाया है। इस मंच से अनेक बार गुरुदेव जी से आपने सुना होगा, ये उदाहरण याद आ गया, मैं दोहरा देता हूँ। बहुत पहले की बात है, 45-50 साल पहले की, गुरुदेव जी एक जगह कार्यक्रम में थे। शाम का समय था, प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुदेव जी एकांत की दृष्टि से गांव से बाहर एक जंगल नुमा था, वहां जाकर के झुरमुट में बैठ गए। गुरुदेव जी को खोजते खोजते एक युवक पहुंचा 18-20 साल का। जब पहुंचे आहट हुई, गुरुदेव जी ने आंखें खोली। उस युवक को देखकर गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा कैसे आए हो? युवक बहुत भाव विह्वल होकर के कहने लगा, महाराज भगवान कब मिलेगा? गुरु जी ने कहा, भगवान से बिछुड़ने की तारीख तुम बता दो तो मिलने की तारीख मैं बता दूंगा। युवक तो खड़ा रह गया, भगवान बिछुड़ा कब है जो मिलेगा? जो कभी बिछुड़ा ही नहीं है उससे मिलने की बात क्या है? दुनिया की सारी चीजें बिछुड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी बिछुड़ नहीं सकता, परमात्मा कभी बिछुड़ नहीं सकता, क्योंकि वह आपके अपनी सत्ता है, आपका अपना होना है, आपका अपना अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है। वह जहां आप हैं भगवान हाजिर हुजूर है, क्योंकि आप स्वयं भगवत रूप हैं। पाना कहां है? इसलिए भगवान को पाने के लिए भटकना नहीं है, काम करना है मन को मांझने का, मन को निर्विकार निर्मल करने का। और ये काम हम नहीं करते, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलह में, कल्पना में, लोभ लालच में पड़े हुए हैं, राग द्वेष में उलझे हुए हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। और गलत रास्ते पर जितनी तेजी से, जितने समय तक आप चलें, मंजिल से दूर हटते चले जाएंगे। गलत रास्ता कभी मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं, आपके पास कितने तीव्र साधन क्यों ना हो। और यदि दिशा हमारी सही है, हम सही रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही यहां तक जमीन पर लोट लोट करके चलें, चलते रहें तो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। दिशा सही होनी चाहिए, रास्ता सही होनी चाहिए, तो गलत दिशा कभी पहुंचाएगी नहीं हमें मंजिल तक, हम भटक गए हैं। जैसे हम बाहर से वस्तुओं को पाना चाहते हैं, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, विद्या,
जमीन जायदाद मठ मकान पाना चाहते हैं, लोगों को पाना चाहते हैं, ऐसी बाहर तो भगवान को पाना चाहते हैं। हमने भगवान को भी बना डाला है भौतिक, सदैव मिलती है भौतिक चीजें और बिछुड़ जाती है। भगवान अभौतिक है तो मिलेगा कैसे, पाओगे किससे? आंख से मिलेगा रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, नाक से मिलेगा गंध होगी, जीभ से मिलेगा स्वाद होगा, त्वचा से मिलेगा स्पर्श होगा, मन से मिलेगा कल्पना होगी, संकल्प विकल्प होगा। हमारे पास पाने के ये पांच ये छह साधन हैं, आंख नाक कान जीव त्वचा और मन। और गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने हो, भाई गोस्वामी जी कहते हैं मन और इंद्रिया जहां तक तो पहुंची सब माया है, और इनसे मिलेगा वो भगवान कैसे होगा, माया ही तो हो गया ना। भगवान मन बुद्धि वाणी से परे हैं, और पाना चाहते हो मन से बुद्धि से वाणी से, मिलेगा कैसे? जहां मन बुद्धि वाणी का आयाम खत्म हो जाता है, मन मौन हो जाता है, और मन के मौन होने पर जो सत्ता शेष रह जाती है आपका आत्म अस्तित्व, वही भगवान है, वही परमात्मा है। पाना नहीं है, अनुभूति करना है। उसके लिए, अनुभूति करने के लिए निर्मल मन साधना युक्त जीवन की आवश्यकता है। जीवन को परमार्जित करें, मन वाणी कर्म निर्मल हो गए, मिल गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहे। कबीर साहब हमें दृष्टि बार बार कर हमारी ओर लाते हैं, और कबीर साहब ही नहीं, दुनिया के जितने भी अध्यात्म के पहुंचे हुए पुरुष हैं वो सब कहीं बाहर भटकने की बात नहीं कहते, स्वयं को समझने की बात कहते हैं, अंदर ही की ही बात बताते हैं। सत्यं लभ्यं तपसा हित आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतिया छिन्न दोषा। जिज्ञासु ऋषि के पास पहुंचा और कहा भगवान मैं आत्मा लाभ करना चाहता हूँ, आत्मा को पाना चाहता हूँ, आत्मा को पाने का साधन क्या है? ऋषि ने चार साधन बताए, सत्यन, सत्यवाणी, सत्य भावना, सत्य ज्ञान और सत्य का व्यवहार। ये चतुर्विध सत्य की उपासना जीवन में है, तब सत्य के रास्ते पर चलने वाली जितनी कठिनाइयां हैं निर्विकार भाव से उनको सहन करते जाना, ये वास्तविक तप है, इससे मिलेगा। सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, प्रकृति के नियम क्या है, कारण कार्य की व्यवस्था क्या है, इनका उचित ज्ञान हो, और नित्य का ब्रह्मचर्य हो। सत्य तप सम्यक ज्ञान और नित्य का ब्रह्मचर्य, इनके द्वारा आत्मा लाभ होता है, इनके द्वारा परमात्मा लाभ होता है। जब ऋषि ने ऐसा कहा तो जिज्ञासु ने पूछा फिर भगवान वो परमात्मा रहता कहाँ है? फिर ऋषि ने कहा अंतः शरीर ज्योतिर्मयो शुभ्रो, इस शरीर के भीतर कैसा है, ज्योतिर्मय है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूप है, शुभ्र है, निर्मल है, पवित्र है। जब ज्ञान रूप है, ज्योतिर्मय शुभ है, प्रकाश रूप है, निर्मल है, इस शरीर के भीतर है, तो साक्षात्कार क्यों नहीं होता, बोध क्यों नहीं होता? ऋषि कहते हैं यम पश्यन्ति यतिया छिन्न दोषा, वही देखेगा जो यत्न करते करते साधना करते करते सारे दोषों को छिन्न दोष कर दिया, छिन्न कर दिया है सारे दोषों को, विकारों को समूल नष्ट कर दिया है, निर्दोष जीवन, निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन, तब आत्मा लाभ होगा, तब आत्मा साक्षात्कार होगा। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, नाना कर्म कांडों उलझने की आवश्यकता नहीं है, संत गुरुजनों से सही बोध पाकर जीवन को मांझने की, निर्मल और निर्विकार करने की आवश्यकता है। निर्विकार हो गया जीवन, निर्मल हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, भटकाव खत्म, और जिसकी तलाश में भटक रहे थे उस आत्मा का, परमात्मा का, भगवत तत्व का उद्घाटन हो गया, जीवन चरितार्थ हो गया, और इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थता का अनुभव हो गया। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।